दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को सारी एकेडमिक क्लासेस लेकर के आने वाले हैं। तो आज जो आप लोगों का एट क्लास का सेकंड चैप्टर जो चल रहा था, तो आज आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 होने वाला है। एक चर वाले रैखिक समीकरण जो आप लोगों का चैप्टर चल रहा था, तो सभी लोग अपनी अपनी बुक निकाल कर बैठ जाइएगा और आप लोगों को सारा का सारा सॉल्यूशन इस पर अवेलेबल होने वाला है। इंग्लिश मीडियम वाले भी हमारे स्टूडेंट्स जो है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सब कुछ हम आप लोगों को एक एक चीज एक्सप्लेन करवाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप लोगों के लिए बोथ टाइप बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ ये हमारे लिए इंग्लिश मीडियम की बुक्स है। सब कुछ आप लोगों को एक एक चीज वो बायलिंगुअल लैंग्वेज आप लोगों को अवेलेबल होगी। सो प्लीज आप लोग हमारे साथ कॉपरेट कीजिएगा। और आप लोगों को ये मैथ्स है, आप लोगों को अपने सवाल को समझ लेना है और आप लोगों को इसका कोई परेशानी नहीं होगी। 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासेस का एकेडमिक आप लोगों के लिए चैनल पर हम उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो अपने भाइयों से, सभी लोगों से इस बात को शेयर जरूर कर देना। इसके साथ आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप बोर्ड एग्जाम्स की भी अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आसानी से क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उनको ज्वाइन कीजिएगा और अपनी गर्मी की छुट्टियों में उनको यूज कीजिएगा। आपको अच्छे से अच्छा जो परफॉर्मेंस मिलने को देखने को मिलेगा। ओके, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज द नंबर। मींस कहने का, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर जो है 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 1/8, तो हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। लेट, माना कि ये पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों को करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेट द नंबर इज 1/x। क्या है x? अब वो क्या कहता है हम लोगों से, कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, मींस x में से 1/2 घटाना है। वो यही कह रहा है ना, जो नंबर हमने लिया उसमें से 1/2 घटाने पर, तो सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम दिस नंबर एंड मल्टीप्लाई 1/2 एंड जो हमारा जो प्राप्त होता है गुणा ये होगा, क्योंकि इसमें से यदि घटाएंगे तो यही प्राप्त होगा, इसमें 1/2 का गुणा करना है तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8। इसका इन्होंने तो हमसे पूछा गया वह संख्या कौन सी है, तो आइए इसको शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका आप लोगों क्या आंसर होने वाला है, देखिएगा चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को दिया गया है ये, तो इसमें हमें क्या करना है, 1/2x - 1/2 आप लोगों का दिया गया है, सेम जैसा कि जैसा लिख लेना है। ये मल्टीप्लाई है, इधर आके ये डिवाइड में होगा, तो मीन्स वन ये इक्वल होगा 1/8 और डिवाइड में 1/2 होगा। आप लोगों को पता है बटे के डबल बटे होता है तो संख्या पलट जाती है, मीन्स ये 1/2 की वजह कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा और बाकी जगह क्या हो जाएगा, गुणा। इससे यदि कट कर देते हैं तो 1/4 हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये आप लोगों का हो जाएगा, इधर देखने को मिलता है x - 1/2 एंड ये हो जाएगा आप लोगों का 1/4। यदि x का वैल्यू अपन लोगों को निकालना है तो 1/4 और ये हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। एलसीएम मैंने आपको बताया था कि यदि रैशनल नंबर में आपको ऐड करना बताया था, तो ये आप लोगों का रैशनल नंबर दिया गया है, इसको यदि ऐड करेंगे तो ये आप लोगों का एलसीएम आने वाला है 4 देन 1 एंड इसका इसमें यदि डिवाइड देते हैं 2 टाइम्स जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 आएगा, मींस ये आप लोगों का 3/4 होने वाला है। तो एक्स का वैल्यू प्राप्त होने वाला कितना, 3/4 आप लोगों का राइट आंसर होगा। उन्होंने पूछा वो संख्या क्या है, वो संख्या 3/4 है। ओके, दोस्तों सवाल आपको मैं आशा करता हूँ आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए इसको और आगे क्यों लेकर के चलता हूँ, थोड़ा बोर्ड को ऊपर से साफ कर दूं। पहले आप लोगों को दिखाना जरूरी था कि आप लोगों का एक्सरसाइज चल रहा है, आप लोगों को पता चलता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे हैं। ओके, सो आप लोगों का ये अभी मिटा दूं तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। इसको अगला जो आप लोगों का सवाल दिया गया है, दोस्तों क्वेश्चन को यदि आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लेना है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, क्लास आप लोगों का चल रहा है कौन सा, 8। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको परेशानी होती है तो ऑफलाइन कमेंट में आप हमसे डायरेक्ट सीधा पूछ सकते हो, आप लोगों को आंसर दे दिया जाएगा। और यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है, उसको द्वारा भी करवाया जाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, क्वेश्चन है आप लोगों का, ए पेरीमीटर दिया गया है, ए पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पूल। दिया गया है एक आयताकार जो स्विमिंग पूल, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से फिल्मों में देखा होगा मानता हूं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिन्होंने रियली में भी देखा होगा।
तो स्विमिंग पूल जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दो गुने से कितना अधिक है, दो गुने से आप लोगों का दिया गया है 2 मीटर, मीन्स दो गुने से भी 2 मीटर अधिक है। तो आप लोगों को बताना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को आसानी से ज्ञात करना है। तो आइए इसको सवाल को करते हैं। आपको दिया गया है इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो हमको क्या है ब्रीफ माननी पड़ेगी ना। सबसे पहले ब्रीफ मानते हैं, तो लेट आपको नॉर्मली आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो लेट द ब्रीफ इज मीन्स आप लोगों का माना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन चल रहा है, माना चौड़ाई या स्विमिंग पूल की चौड़ाई, सीधा आपको लिख देता हूं चौड़ाई कितना होगा आप लोगों का मान लिया एक्स मीटर, कितना माना है एक्स मीटर, ओके इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। माना चौड़ाई एक्स मीटर जो आप लोगों का दिया गया है, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा चौड़ाई हो गया। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है कि कोई भी आपको परेशानी ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। यदि आपने बोल दिया कि स्विमिंग पूल की चौड़ाई इतनी है लंबाई इतनी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को और रियलाइज करना पड़ेगा। अब वो आपसे क्या कहता है कि इसकी चौड़ाई से दो गुने है, आयताकार जो है इसकी लंबाई चौड़ाई से दो गुने से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई ये हो गई। और लंबाई भी क्या कहता है दोस्तों, लेंथ क्या है आपकी, लेंथ जो आपके बारे में बोल रहा है लेंथ के बारे में क्या कर रहा है, चौड़ाई से चौड़ाई की 2 गुनी है, पहले तो 2 गुनी कर दी और 2 गुनी से फिर 2 मीटर अधिक है, तो ये होगी क्योंकि पहले तो उसने बोला कि 2 गुनी है, तो इसका 2 गुना कर दिया, उसके बाद 2 अधिक है, 2 अधिक मीन्स 2 जोड़ दिया, तो ये इसमें आप लोगों की चौड़ाई होने वाली है। अब वो आप लोग क्या कहते हैं इसकी परिमाप, पेरीमीटर जो है दिया गया है कितना, इसकी परिमाप दी गई 154 मीटर दिया गया है। तो इसका जो पेरीमीटर का जो सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों, यदि परिमाप की बात करें, परिमाप आयत का परिमाप होता है 2 × L + V लंबाई इंटू चौड़ाई, और 2 ये दिया गया 154 दिया गया, 2 L + V L दिया गया x और V दिया गया मीन ब्रीथ कहते हैं इसको, लंबाई प्लस चौड़ाई आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लंबाई प्लस चौड़ाई। और दोस्तों थोड़ा सा कॉपरेट करना है आपको, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, यदि ये होगा तो 2x + 2 हो जाएगा, इसको यदि आप पूरा करते हो तो ये हो जाएगा आपका, यदि ये एक्स और ये वाला एक्स इसको यदि आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, यानी आपका दिया गया 2, इधर भी आपका दिया गया 154, यदि आप ये मल्टीप्लाई में इधर आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको यहां से हटा देना है, इसके डिवाइड में लगा देना है, ओके। अब इसको यदि यहां से कट करते हैं तो 2 7 कितना होता है 14, और एक और बाई जाएगा तो 2 7 कितना होता है 14, अब ये इक्वेशन इसके बराबर है, तो आपका क्या हो गया 3x + 2 जो आप लोगों का है कितना है 77 है। अब यदि इसको करते हैं 3x बराबर आप लोगों का आने वाला है 77 और माइनस का 2 आने वाला है, तो मींस ये आप लोगों का होने वाला है, थोड़ा सा ऊपर से मिटा दो क्योंकि कुछ बच्चों क्या है कि देखता नहीं, यहां किए देते हैं यहां, ओके यहां किए देते हैं, ये हो गया तो 2x ये हो गया तो 70 मीन्स आएगा 3x बराबर आप लोगों को कितना आना है 75 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा आप लोग 75 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको यदि करना है तो 3 बन जाए 3 और 3 2 जाए 6 एंड 3 5 जाए मीन्स x का जो मान आपने आने वाला है 25 मीटर आने वाला है। अब उसने आप लोगों से क्या पूछा, लंबाई और चौड़ाई पूछी थी, दोस्तों क्या पूछे तो लंबाई और चौड़ाई, तो इसमें जो आप लोगों का x का मान क्या नजर आए चौड़ाई, तो चौड़ाई आपकी आगे कितना 25 मीटर आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं लंबाई की, तो लंबाई आप लोग क्या कर रहे हैं 2x + 2, तो 2x का मान 25 दिया गया और प्लस 2 मीन्स ये आप लोगों का होने वाला है, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मार्क्स के लिए आप लोगों ने बता चुका हूं, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा एंड प्लस 2 आएगा तो ये आने वाला है 52 मीटर, ओके। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आशा करता हूं कि इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और यदि परेशानी हो तो फिर एक ही बात बोलना चाहूंगा, संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है। दोस्तों मैं जब भी पढ़ाता हूं तो कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाना है, जिससे आप लोगों को कोई भी यदि डाउट हो तो आसानी से आप पूछ सकते हो, ओके। आगे करते हैं इसको, अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या कहता है, सभी लोगों को थोड़ा किताब में भी पढ़ना है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 cm दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना दिया गया है 4/3 cm, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज ये दिया गया है आप लोगों का 4 1/15 दिया गया है सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड, आप लोगों को पूछा गया है जो शेष भुजाएं जो रह गई हैं उनका आप लोगों से क्या पूछा गया है, भुजाओं की प्रत्येक भुजा की माप आप लोगों से पूछी गई, शेष भुजाएं जो रह गई थी ना उनकी माप आप लोगों से पूछी गई है। तो बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का आधार आप लोगों को दिया गया है कितना है 4/3, ओके।
तो आप लोगों को और उसकी परिमाप भी दी गई है, तो आप लोग ज्ञात करना है शेष जो भुजाएं बची है ना उन भुजाओं की माप आप लोगों को ज्ञात करना है। समद्विबाह्यक्रमशी बराबर भुजाओं की प्रत्येक भुजा की जो माप पूछी गई वही आप लोगों को ज्ञात करना है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक बराबर भुजा है, प्रत्येक बराबर भुजा की माप कितनी एक सेंटीमीटर। तो इसको जो आपका दिया गया है जो आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इसको शुरुआत करते हैं। लेट माना समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जो आपका दिया गया है इसकी जो इक्विलेटरल साइड है मीन्स जो आपकी समान भुजाएं हैं, तो आपका समान भुजाओं भुजाओं की लंबाई लंबाई कितना है एक्स सेंटीमीटर। तो इंग्लिश मीडियम वाले आप क्या आसानी से लिख लेंगे, लेट द आपका क्या दिया गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो लेट द आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल साइड्स आर एक्स। ओके, देन आप लोगों से क्या बोला गया है, इसका दिया गया है इसका परिमाप आप लोगों को दिया गया है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, परिमाप एक्चुअल में होता क्या है। साथ ही साथ ये हमने माना है और यहाँ की जो है बेस दिया गया है, इस आधार इसमें दिया गया है आधार, आधार कितना दिया गया है दोस्तों आप लोग थोड़ा थोड़ा आधार कितना दिया 4/3 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक त्रिभुज ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, ये आप लोगों का ट्रायंगल हो गया लगभग समद्विबाहु रहेगा, समद्विबाहु ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर है। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था दोस्तों, परिमाप एक्चुअल में पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर मींस जे कोई भी आयत दिया गया हो, वर्ग दिया गया हो, कोई भी चीज दी, कोई भी वस्तु आप लोगों को दी गई है, एनीथिंग कुछ भी हो, तो आप लोगों को यदि पेरीमीटर याद करना है उसकी साइड्स का योग मींस टोटल कर देना है आप लोगों का पेरीमीटर आ जाएगा। इसका भी पेरीमीटर याद करना है इक्वल साइड एक्स एंड एक्स एंड 4/3। ओके, अब इसका परिणाम क्या होगा, इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, यही तो होगा, हुआ भी नहीं होगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यदि होती है संडे कमेंट बॉक्स हाजिर है। प्रश्नानुसार आप लोगों से क्या कराया एक्चुअल में कि इसका परिमाप भी आप लोगों को दिया गया है, तो परिमाप कितना है इसका, परिमाप परिमाप की यदि बात करें, परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, तो परिमाप में आपको यहां पर बता रहा हूं कि x x और 4/3 होगा, मींस x प्लस 4/3 का क्या पेरीमीटर होगा। और एक्चुअल में आपकी बुक में क्या दिया गया पेरीमीटर आपको दिया गया है, तो इसको पढ़ लेना है 4 सही 2/15 है आप लोगों का जो ट्रायंगल का 4 सही 2/15 है आप लोगों का दिया गया है, और इसको ऐड करते हैं तो 2x और प्लस 4/3 आप लोगों का होगा। ओके, पेरीमीटर आपको दिया गया है, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 62/15 हो जाएगा, और इसको करते हैं ये हुआ आप लोगों का एलसीएम लेंगे एक्स 3 आएगा, सॉरी 3 अकेला आएगा, और ये 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 6x होगा, और देन ये आप लोगों का होने वाला है 4। अब बात करें ये एक ही जैसे हैं, तो यदि इससे इसको काटते हैं 3 तो 3 5 15, यदि नीचे की हर हर में कुछ कट रहा है तो ऑटोमेटिकली काट देते, नहीं तो ये मैं आपको बताना चाहिए डिवाइड में हैदरा के मल्टीप्लाई में होगा तो भी तो ये कटेगा ना, तो डायरेक्टली आप काटना चाहो तो कट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहां तक आपको समझ में आया होगा, ट्रायंगल को अपन थोड़ा इधर सेट किए देते हैं, नो प्रॉब्लम, ये आपका दिया गया है पैरेलल साइड एक्स एंड एक्स एंड ये आपका दिया गया है 4/3। ओके, अब ये क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 5 का इसमें करेंगे 5 6 13x होगा एंड 5 4 20 होगा, और ये होगा आपका 1 टाइम करेंगे तो ये होगा आपका 62। ओके, इसका करते हैं तो 30x इक्वल टू 62 और माइनस का 20 आप लोगों का ये होने वाला है, यदि इसको घटाते हैं तो ये आपका 2 आएगा, देन आपका 42 आने वाला है। एक्स स्क्वायर टू क्या होगा, ये 30x दिया गया है, एक्स स्क्वायर टू क्या होगा दोस्तों 42, और अपन में 30x की मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में होगा, यदि इसको हम काटते हैं तो 30 बन जाए 30 वन टाइम ही जाएगा आप लोगों का 42 मीन 12/30 आएगा, इस प्रकार से हम लिखते हैं ना। अब यदि कटेगा तो ये आपका कितनी बार कर सकता है 3 से यदि हम काटते हैं तो 4 and 10 ये कट जाएगा 2 and 5, तो 1:2/5 ये आप लोगों का इसकी प्रत्येक साइड की जो माप होने वाली है वो आप लोगों की इतना इतना x² आपका दिया गया है x² इतना इतना सेंटीमीटर आने वाला है, मीन्स जो बराबर भुजाओं की माप हमने x मानी थी, तो आपका x का मान आ चुका है क्लियर कि कहता है 1 1/2 5 आप लोगों का जो होने वाला है x का मान आप लोगों का होगा। ओके, तो बराबर भुजाओं की माप आप लोगों की आ चुकी है, क्या होने वाली है 1 सही 2/5। अगला जो आप लोगों का सवाल होने वाला है 4th नंबर का दोस्तों, कंटिन्यू हम आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लेकर के आएंगे, बस आप लोगों को अपने भाइयों को जरूर बता देना है जल्द से जल्द
कि आप लोगों की क्लासेस यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं, ओके। इसी के साथ आपका जो अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, दोस्तों जल्द से जल्द हम आप लोगों को अनअकैडमी पर जो आपके बड़े भाई लोग हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं उनको भी जल्द से जल्द हम अनअकैडमी पर मिलने वाले हैं। हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया है, जल्द से जल्द आप लोगों को वहां भी क्लास उपलब्ध हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर भी अभी हम कोर्स नहीं बेचेंगे, इसलिए जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके अपने भाइयों को भी ये सब कुछ बात बता देनी है, ओके। और नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। मीन दिया गया है दो संख्या का योग कितना है 95, द सम ऑफ टू नंबर इज 95। दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी अधिक है, 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो आपको आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, जो आप लोगों का दिया गया है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो लेट द फर्स्ट नंबर, या हम नॉर्मल हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा मैं मानता हूं थोड़ा होशियार होते हैं तो आसानी सब कुछ अपने काम कर सकते हैं। माना माना पहली संख्या x, पहली संख्या क्या मान लिया हमने x, द फर्स्ट नंबर इज, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं आप आसानी से लिख सकते हो, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड अदर नंबर मीन सेकेंड नंबर इज, दूसरी संख्या क्या होगी आपकी, वो पहली बोला है 15 है देखें, तो क्या होगी x प्लस 15। और आप लोगों से बोल रहा है क्या, उन संख्याओं का योग 95 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू लिखते हैं, मीन प्रश्न अनुसार इसको हिंदी में कहते हैं एटीक्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संख्या का योग कितना है 95, तो संख्या को जोड़ते हैं x प्लस, और दूसरी संख्या x प्लस 15 कितना है 95 है, इसको यदि ऐड करते हैं 2x प्लस 15 हो जाएगा, देन आप लोगों का 95 हो जाएगा। 2x का क्या होने वाला है आपका 95 और माइनस का आप लोगों का 15 होने वाला है, तो यदि इसमें से आपको इसको घटाना है तो आप लोगों कितना आने वाला है 18, ओके। और 2x बराबर 18 आने वाला है, तो x स्क्वायर टू क्या आएगा आपका 18 बाई 2 आएगा, इसको यदि कट करते हैं तो 40 आप लोगों का राइट आंसर इसमें होगा, x स्क्वायर टू क्या होगा 40। तो इसमें आपको पूछा गया है पहली संख्या क्या होगी आप लोगों की 14 होगी, और जो अगली जो संख्या होगी 40 प्लस 15 मतलब 15 होगी, तो मीन x प्लस 15 होगी, तो ये आएगी आपकी 45 आप लोगों की हो जाएगी, तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। आशा करता हूं इसमें भी आपको कोई भी परेशानी ना हो, ओके। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, हम आप लोगों को एक एक चीज एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाने वाले हैं, सो प्लीज बने रहिए लगातार, अपने दोस्तों को भी बता देना कि हम कहां से पढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, क्या कहता है आप लोगों से, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर द 3 इंटीजर्स, आप लोगों से वो 3 इंटीजर्स 3 पूर्णांक पूछे गए हैं लगातार कॉन्सिक्यूटिव, जिनका योग कितना है 51, लगातार 3 जो संख्याएं हैं उनका योग आप लोगों को कितना दिया गया 51। सॉरी से आप लोगों का इस नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5/3, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स, मीन्स पूछा गया है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनमें अंतर 18 का है, तो वो संख्याएं आप लोगों को ज्ञात करना है, वो संख्याएं क्या है। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मान लिया वो संख्याएं क्या है x, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन होना है आपका, लेट द नंबर इज x, मींस जो आपको संख्याएं माननी है, सॉरी से उनका जो है रेशियो दिया गया है 5/3, तो देन लेट माना संख्याएं, लेट द नंबर आर 5x एंड 3x, देन आप लोगों से क्या कहा गया है, कहा गया है दोस्तों उनका डिफरेंट मीन्स इनका अंतर दिया गया है कितना 18 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रत्येक इस सवाल में एटीक्यू जरूर लगेगा, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही हम कर रहे हैं, उनका अंतर दिया गया है तो अंतर होगा 5x माइनस 3x, इसको कितना दिया गया 18, तो इसमें से यदि इसको माइनस करते हैं तो 2x आएगा आपका, ये होगा आपका 18, x की वैल्यू क्या होने वाली है 18/2, ओके। इससे कट जाएगा तो 9 आप लोगों का राइट आंसर आएगा, मींस आप लोगों का राइट आंसर 9 नहीं है, ये तो x की वैल्यू है, राइट आंसर क्या होगा, आपने संख्याएं 5x और 3x मानी थी, तो 9 की जगह आपको x दिया 5, यहां पर 9 फिल करना है, तो 9 5 जा 45 एंड 9 3 जा 27, ये आप लोगों का दोनों राइट आंसर होंगे, ओके।
इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इसमें कोई परेशानी यदि आपको हो तो हम आप लोगों को सिर्फ अभी एक ही बात कह सकते हैं कि संडे कमेंट बॉक्स हाजिर है और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकेगा आप लोगों के लिए लाइव क्लास लाएंगे, जिसमें आप लोग क्या है हमारा हाथ ही आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सको। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करना होगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। ओके, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, क्या कहता है, सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों से बोलता है वो कहता है आप लोगों से, थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर द थ्री इंटीजर्स, पूछा गया है। तीन लगातार पूर्णांकों का योग कितना है 51, कितना है 51 आप लोगों से दिया गया है 51 है। अब आप लोगों को ये ज्ञात करना है इनका कि जो राइट आंसर क्या होने वाला है, सीधा सीधा यही बोलना चाहूंगा, जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो कौन सा है, सिक्स नंबर का है ना, सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोगों को क्या कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। सिक्स नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, कौन सा है सिक्स नंबर का क्वेश्चन, तीन लगातार पूर्णांक दिए गए, तो पूर्णांक क्या है कि 1, 2, 3 इस प्रकार लगातार ही होते हैं ना, मीन्स इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, लेट माना कि हमने सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, तो लेट द थ्री क्या क्वेश्चन दिए गए, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, लेट द थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर, माना तीन, माना क्रम से है तीन पूर्णांक, तीन पूर्णांक संख्याएं, संख्याएं कितना है आप लोगों का, x, नेक्स्ट होगा x प्लस 1 और होगा x प्लस 2 होगा, जिसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। देन आप लोगों से क्या बोला गया है, इनका योग दिया गया है 51। वेरी इजी, बस आप लोगों को इतना ही क्यों चाहिए, सारे के सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए जब से क्लास लेना शुरू हुई है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आपको दिया गया है एक्स और प्लस एक्स प्लस 1 और देन दिया गया है एक्स प्लस 2 होगा, ये तो उसने बोला है सारी संख्याओं का योग, यही तो है संख्या है, कितना है 51, इनको ऐड करते हैं एक्स एक्स एक्स, देन हो जाएगा आपका 3x और प्लस 3। ओके, ये आपका 51, 3x जो आपका होने वाला है वो 51 और माइनस का 3 हो जाएगा, ये इक्वल में इधर जाता है तो माइनस होता है कि नहीं, और ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस करने पर 48 होगा आपका 3x। देन आप लोगों का यदि x का वैल्यू पूछा जाए तो x का मैं आपको इधर बताता हूँ, x स्क्वायर टू आएगा आप लोगों का 48/3, तो इसको काट देना है, 3 1 3 एंड 3 6 18। यदि x का जो वैल्यू आप लोगों से पूछा जाए, x का जो वैल्यू होगा आप लोगों का 16 आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। ओके, तो इसमें जो आप लोगों की तीन पूर्णांक संख्या होगी, यहाँ तो आप लोगों को x का मान ही निकला है, अब बात करना है क्या कि हर तीनों पूर्णांक संख्या निकालनी है, पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होगी, पहली होगी 16, नेक्स्ट होगी 17 और इससे भी नेक्स्ट होगी 18। क्यों, क्योंकि ये x, x प्लस 1 16 प्लस 1 17 और x प्लस 2 में 16 प्लस 2 कितना होगा 18। हो गया आप लोगों के दो आंसर। इसी के साथ मैं आप लोगों को अगला जो पहुंचाने वाला हूं, सेवेंथ नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का होने वाला है, आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को सेवेंथ नंबर के क्वेश्चन की ओर ले आने चाहूंगा। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, सेवेंथ नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से कहता है, क्या कहता है, थोड़ा सा इंक की आवश्यकता है ऐसा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा डाले लेते हैं। मैं आशा करता हूं आपको पढ़ने में बहुत मजे आ रहे होंगे, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर थोड़ी हमारी आशाओं को ऊंचा करना। इसी के साथ मैं आपको अगले क्वेश्चन पर ले आना चाहूंगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, क्या कहता है आप लोगों से, कहता है द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 is 888, फाइंड द मल्टीपल्स, आप लोगों से मल्टीपल पूछे गए हैं, मीन्स दिया गया है 8 के 3 लगातार गुणजों का जो योग दिया गया है कितना 888 दिया गया है, तो गुणजों को आप लोग याद करना है कि वो गुणज क्या होने वाले हैं। तो जो आप लोगों के गुणज होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोगों का सीधा सीधे दिया गया है, मल्टीप्लाई करके दिया गया है, तो 8 के माना की 3 लगातार गुणज कैसे, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, थोड़ा बुक्स में आप लोग अच्छे से देखिएगा, बोल रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, मीन्स 8 के क्रम से लगातार 3 जो गुणांक है उनका योग जो मल्टीपल दिया गया कितना 888 आप लोगों को दिया गया है, कितना दिया गया 888 उसका योग दिया गया है। तो मैं इसको शुरुआत करता हूं, माना कि 3 लगातार गुणज जो आप लोगों के क्या होने वाले हैं, लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज, आप लोग इंग्लिश में लिख लेना है, तो मैं आपको हिंदी में इसलिए लिख के दिखाता हूँ कि हिंदी में वाले बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, थोड़ा बच्चे क्या है कमजोर होते हैं।
जी कल मैं आप लोगों को थोड़ा यहीं से शुरुआत करता हूँ। तो आप लोगों का होने वाला है 7th नंबर का क्वेश्चन। आप लोगों से क्या कहता है, कहता है कि 3 लगातार मल्टीपल, तो ये आप लोगों क्या होने वाले हैं, माना 8 के 3 क्रमशः गुणनखंड क्या होंगे। पहला हो गया आपका 8x, एक्स के साथ लेकर के आएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक्स का मान ही फाइंड करेंगे तभी तो हमें सीधा सीधा फाइंड होगा एक्स। देन आप लोगों का 8 का ही मल्टीपल होगा तो एक्स प्लस 1, क्योंकि अगला जो होगा क्रम से ही तो बोल रहा है आप लोगों से, और इससे भी जो अगला होगा वो 8 इंटू होगा आप लोगों का एक्स प्लस 2 होगा। तो ये आप लोगों की 3 लगातार गुणनखंड होगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आप लोगों से कहता है क्या, 7th नंबर का क्वेश्चन है, कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, मींस सम दिया गया है इनका, सम दिया गया है, तो सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू आप लोगों को डाल देना है, क्या है, 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 और 8 इंटू प्लस का भी दिया है x प्लस 2। कितना दिया गया आप लोगों को, दिया गया 888, मींस 888 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका होगा 8x प्लस 8 का अंदर मल्टीप्लाई करें देन होगा 8x प्लस 8 और इसके आगे करते हैं तो ये होगा 8x प्लस होगा आपका 16, ओके, और ये होगा आप लोगों का 888। इसको शुरुआत कीजिए एक्स 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 हो गया आपका 24x और इसको यदि आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये होगा आप लोगों का 888। इसी के साथ आप लोगों को करना है क्या दिया गया है 888। अब इसमें से यदि इसको घटाते हैं 24 इधर लेकर क्या आना होगा ना आपको, तो 24 यदि आप इसमें से 24x हो गया, यदि ये वाला इधर आ जाएगा 8 आ गया और ये 24 माइनस होगा तो आप लोगों क्या हो जाएगा, आइए थोड़ा इधर करता हूं, इधर करते हैं, तो इसको यदि करोगे तो 24x स्क्वायर टू क्या आने वाला है आप लोगों का, ये जाएगा आप लोगों का बचेगा क्या 4 बचेगा ये 2 एंड 8 मींस 800 सॉरी से आपका 6 बचना है यहां पर क्या 6। अब जो आप लोगों का 24x था यहां पर x का जो वैल्यू प्राप्त होने वाला है वो 864 डिवाइडेड बाय कितना होगा 24 मींस इससे यदि आप इसको काटते हो कितनी बार जाने वाला है 36 टाइम्स इसको कट करके देखते हैं तो ये आप लोगों का होगा 24 53 होगा उसके बाद आपका 36 मींस आपका x का वैल्यू होगा कितना 36 होगा। x का वैल्यू प्राप्त हुआ है मेरे आंसर नहीं हुआ क्योंकि आंसर तो यहां से आने वाला है ना, 3 जो लगातार मान लेते आपसे कोई पूछ रहा है तो इसका यदि आप लगातार मल्टीप्लाई करते हो तो 8 का मान आप लोगों को कितना रखना है, एक्स का मान रखना है आप लोगों को 36। तो इसका पहला ही बार रख के देखते हैं 8 का 36 8 इंटू 36 ये आपका पहला आंसर होगा। इसी के साथ ये 8 इंटू 36 प्लस 1 दूसरा होगा, 8 इंटू 36 प्लस 2 ये आप लोगों का तीसरा होगा। थोड़ा इसको और खोले देता हूं नहीं तो आप लोग कहोगे सर ने मल्टीपल करके ही नहीं दिखाया, थोड़ा गुणा करके और दिखा देते हैं। आशा करता हूँ ये नोट कर लिया होगा, दोस्तों समझना है चीजों को समझना है, आप इस बात पर ध्यान ना दीजिए, नोट करने पर ध्यान आपको नहीं देना है। इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो इसमें आप लोगों का मल्टीप्लाई करने पर जो होगा 288 होगा, 288 ये होगा आपका 296 और इसमें यदि आप गुणा करोगे 38 हो जाएगा तो ये होगा आपका 304, ओके, ये आप लोगों के तीनों आप लोगों के राइट आंसर होने वाले हैं। इनका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए आप करोगे तो ये 37 हो जाएगा, ये आपका 8 into 38 हो जाएगा और ये 8 into 36 हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जाना चाहूंगा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का दिया गया है। फिर से बोलना चाहूंगा समझ नहीं आया तो संडे कमेंट बॉक्स हाजिर है, ओके। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन कहता है आप लोगों से 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट वेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74 फाइंड दिस नंबर। मीन्स आप लोगों को अपनी बुक में जाकर देखना है, मीडियम वालों से बोलूंगा 3 लगातार पूर्णांक जो है बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3 और 4 से गुणा करने पर या गुणा कर उनके योग करने पर जो योग फल कितना प्राप्त होता है 74। तो आप लोगों को तीनों पूर्णांक जो है पूर्णांक आप लोगों को फाइंड करने, तीनों क्रम से पूर्णांक क्या होने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी वेरी इजी क्वेश्चन है क्योंकि 3 जो लगातार मानना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस जो बढ़ते क्रम में एक एक से लेते जाते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली
क्रम से आप लोगों को 2, 3 और 4 से इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले मानते हैं लेट द 3 इंटीजर्स आर, क्योंकि आप लोगों को दिया गया है क्या, आप लोगों को जो है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स मीन क्रम से जो +1 +1 करके लेना है। तो लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर, माना क्रम से 3 पूर्णांक क्या मान लिया हमने, x मान लिया, अगला मान लिया x+1 और x+2 हो गया। देन आप लोगों से क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, जब जो एटीक्यू हमारे सर लिखते थे तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था, कुछ दिनों तक तो बहुत ही ज्यादा परेशान था, ये एटीक्यू होता क्या है। एक्चुअल में एटीक्यू का फुल फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन प्रश्नानुसार, हिंदी में हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लिखे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होता है, प्रश्न में जो दिया गया है प्रश्न के अनुसार, दैट इज कॉल्ड प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू, शॉर्ट में इसको कहते हैं। ओके तो आप लोग क्या करा है, इनमें पर्सनली 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो, कह रहा है कि दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। तो आप लोगों को रेस्पेक्टिवली 2 से पहले वाले में प्लस करना है दूसरे वाले में, फिर 3 से फिर प्लस करना है चौथे वाले में 4 से। ओके 2, 3 और 4 आप लोगों का दिया गया है, और देन आप लोगों का ये टोटल कितना दिया गया है, 74 आप लोगों क्वेश्चन में दिया गया है। आप इसको कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं, आप क्वेश्चन एकदम बेचारा बेहाल हो गया, आप कुछ बचा ही नहीं, सॉल्व करना है। 2x+ अंदर मल्टीप्लाई करके 3x+3+ होगा आपका 4x+8, देन होगा आपका 74। ओके देन 2x, 3x और 4x, 2, 3, 4 मीन्स आप लोगों का हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9 मीन्स 9x एंड ये हो जाएगा आपका 8 और 3, 11 हो जाएगा, देन 74 और ये तो प्लस 11 होगा, 9x² जो आपका आने वाला है वो 74 - 11 होने वाला है, ये होगा आपका 3 एंड ये हो जाएगा 6, 9x हो जाएगा, देन x का जो वैल्यू आपको प्राप्त होने वाला है वो क्या होगा, 63.9 मीन्स ये हो जाएगा आपका 7 times x का जो वैल्यू आपको प्राप्त हुआ कितना, 7 प्राप्त हुआ। तो आप लोगों से पूछा क्या गया था, क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आप लोगों से पूर्णांक पूछे गए थे, जो कंजुगेटिव इंटीजर्स है उनका आपको पूछा गया कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या है, हम लोग क्या क्या माने थे, इंटीजर्स x, x+1, x+2 मीन 7, 7+1 कितना 8 और 7+2 कितना 9, 7, 8 और 9 आप लोगों का राइट आंसर हुआ। पूर्णांक हमें ये माने थे ना, ये वाले माने थे, तो इन्हीं में तो जोड़ेंगे हम, मीन x का मान 7 आ गया, इसमें 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, बस वेरी इजी। कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा लगा अभी तक समझ में नहीं आया हो, थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें ऐसा फील तो होना चाहिए हम आप लोग पढ़ा रहे हो, आप लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हम आप लोग संडे कमेंट बॉक्स लेकर भी आते हैं, पहले आप बोलोगे देखो वीडियो भी लंबा नहीं करते हम, सीधा क्वेश्चन करते हैं, इसको हल करने का रफ कर देते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो में वो सुविधा उपलब्ध है कि आप पोस्ट कीजिए आसानी से, इसको नोट कीजिए। ओके यदि आप इसको और समझना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं पोस्ट कीजिए और उनको नोट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन जो आपका अगला दिया गया क्या कहता है, 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अब तो हमारे राहुल भैया आ चुके हैं, राहुल और आ गए हैं कौन, हरुण, मीन्स 9 नंबर का क्वेश्चन कुछ अच्छा सा दिख रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन होने वाले हैं, अभी तक ऐसा लग रहा था आप लोगों को मजाक चल रहा है, लेकिन देखो अब क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या कहता है आप लोगों से, ये कह रहा है 9 नंबर का क्वेश्चन, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर एम रेशियो 5:7 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, मींस आप लोगों से इनकी वर्तमान आयु पूछी गई है। हिंदी मीडियम वाले एक बार एक किताब को पढ़ लीजिए, राहुल और हरुण की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 5:7 और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग जो है कितना 56 इन्होंने बताया है। तो आप लोगों की वर्तमान आयु याद करना है, तो मैं आपको शुरुआत करता है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण जो रेशियो दिया गया है आप लोग कितना दिया गया है 5:7 तो हम मानते हैं, माना हिंदी में ही लिखता हूं मैं, माना राहुल की, लेट राहुल प्रेजेंट एज इज राहुल की वर्तमान आयु जो होने वाली है कितना है आप लोगों का माना है 5x कितना मान लिया 5x और हरुण की वर्तमान आयु ये मान रहे हैं अभी हरुण की वर्तमान आयु क्या होने वाली है 7x क्योंकि रेशियो दिया गया था 5:7
देन आप लोगों से कहा गया है चार वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी। अब सीधी सीधी बात है, चार वर्ष बाद तो चार वर्ष जुड़े जाएंगे, तो देन चार वर्ष बाद राहुल की आयु, चार वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 5x+4 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि चार वर्ष जुड़ेगी सीधा सीधा वर्तमान आयु 5x, चार वर्ष बाद की करें तो 5 इसमें जुड़ जाएगा। देन सेम चार वर्ष बाद किसकी आयु, अरुण की आयु, अरुण की आयु कितना हो जाएगा आप लोगों का 7x+4। अब क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है एक बार और पढ़िएगा, आफ्टर 4 ईयर मीन्स 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर, मीन्स चार वर्ष बाद उनकी जो आयु है उनका आयु कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। चार वर्ष बाद का आपने दिखा दिया उनका योग कितना होगा 56, तो करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को एटीक्यू दिया गया है क्या, इनका योग कितना हो जाएगा 56, ये तो वर्तमान आयु है, अब चार वर्ष बाद की आयु ये रही और इनका योग उन्होंने दिया 56 ईयर, तो मीन्स ये हो जाएगा आप लोगों का, इसको ये प्लस करना है कितना 7x+4, ये दिया गया आप लोगों का 56, ओके इसको एड करते हैं 5x और 7x का आप लोगों क्या हो जाएगा 12x, और देन ये हो जाएगा आप लोगों का 8, ये होगा आपका टोटल 56। बात करें 12x² क्या होने वाला है तो 56 और माइनस का 8, ये आप लोगों का हो जाएगा 48, 12x² क्या होगा 48 हो जाएगा 48। देन आप लोगों का x क्या होने वाला है, x = 48/12, तो ये हो जाएगा आपका 4 times कर देगा मीन x² आएगा आप लोगों का 4, x का वैल्यू जो है आप लोगों को 4 प्राप्त हो, आप लोग करेंट एज निकालिए कि करेंट एज क्या है, x का मान यहां पुट कर दीजिए क्योंकि वर्तमान आयु तो यही मानी है हमने, तो 5 × 4 कितना होगा 20 और 7 × 4 कितना होगा 28, नो प्रॉब्लम, ओके है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आप लोगों का 9 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मैं आप लोगों से फिर बोलना चाहूंगा, आप लोग किसी भी क्वेश्चन में परेशानी हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही साथ हमारी जो फैकल्टी है जो आपको साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब कुछ आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध होने वाला है, बस आप लोगों को क्या करना है अपने भाइयों और दोस्तों को बता देना है क्या कि घर पर ही एकेडमी क्लासेस हम लोगों के लिए फ्री में उपलब्ध होने वाली है, कोई ट्यूशन चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है, ओके ये सब हमारे उन भाइयों के लिए जो हमारे ट्यूशन से बाहर नहीं जा पाते हैं, हमारी उन बहनों के लिए जिनके घर वाले उन्हें पढ़ाना से मना कर देते हैं कि घर से बाहर हमारी बेटी नहीं जाएगी, अरे नहीं जाएगी तो घर में बैठ के भी पढ़ सकती है, इसको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, ओके। इसी के साथ हमारा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा जो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन है 10, 10वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5, मीन्स दिया गया है कि एक कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात कितना है 7:5 आप लोगों का दिया गया है, साथ ही साथ आप लोगों से क्या कहता है द नंबर ऑफ बॉयज इन द इज 8 more द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो लड़कों की संख्या है लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, बहुत ही अच्छी बात है विद्यार्थियों की संख्या की ज्ञात करना है, इसमें कठिन तो कुछ है ही नहीं है, तो आप लोगों को ज्ञात करना है कि कितना रेशियो आप लोगों को शुरुआत में दिया गया है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास रेशियो 7:5, तो आप लोगों का क्या माना बालकों की संख्या, इसको मिटाना नहीं मिटाते हैं, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का 10वां दिया गया है, क्वेश्चन को जब भी हम पढ़ाया करें तो किताब खोल के जरूर बैठ जाए, तो घर बैठे होम ट्यूशन दे रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे हैं, इससे अच्छी सुविधा तो शायद ये कोई दे आप लोगों को घर बैठे ही। इसका 10 नंबर का जो क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो स्कूल में दिया गया कितना 7:5, तो माना की कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी, माना की Let the number of boys in the class is कितना दिया गया है 7x, तो 7:5 दिया गया 7:5 हम इसको कितना 7x मानना है, तो माना कि कक्षा में लड़कों की संख्या, मॉडल की कह दो कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों की संख्या कितना होने वाला है आप लोगों का 7x, नो प्रॉब्लम। देन आप लोगों का दिया गया गर्ल्स मीन्स लड़कियों की संख्या, तो मानता कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी, लड़कियों
लड़कियों की जो संख्या होने वाली है वो होगी 5x। हो गया। अब वो आप लोगों से क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप लोगों से कह रहा है क्या क्वेश्चन कहता है आप लोगों से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस हमें थोड़ी सी हिंट यही तो चाहिए, बाकायदा सभी सभी ज्यादा बच्चे हैं, लड़कों की संख्या 7x, लड़कियों की संख्या 5x। अब हमें इनको बराबर करना है और क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। अब यदि इनकी संख्या ऑलरेडी 8 अधिक है तो हमें मतलब बराबर इसमें 8 जोड़नी पड़ेगी ना, तभी तो ये इसके बराबर होगा, और भी नहीं होगा। समझो बात को, वो क्या कह रहा है लड़कों की संख्या मीन्स लड़के चाहिए ना, लड़के बॉयज ये क्या है गर्ल्स, मीन्स लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। जी लड़के हैं इनकी संख्या 8 अधिक है तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा आपका 7x और ये x से आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, ये होगा आपका 8, घटाते हैं 2x हो जाएगा, ये होने वाला है आपका 8 एंड आप लोग का x का क्या वैल्यू होगा 8/2, कट करते हैं तो ये आप लोग का होने वाला है 4। अब आप लोगों से पूछी गई कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या याद करना है, तो x का जो मान है आप लोगों को 4 प्राप्त हो चुका है। अब लड़कों की संख्या की बात करें तो ये आपको दिया गया है 7x, तो 7x दिया गया है 7 और x, तो x का मान आप लोगों को आ चुका है 4, तो 7 × 4 मीन्स आप लोगों कितना होने वाला है 28 एंड आप लोगों का जो दिया गया है 5x होगा 5 × x, ये होगा 5 × x की बात करें 4 मीन्स होगा 20, तो लड़का सॉरी 20 होगा और ये होगा 28 मीन्स जो लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कितना होगा 28 और लड़कियों की संख्या होगी 20। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और बात करें यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी आप लोगों से पूछे गए टोटल स्टूडेंट इन द क्लास इज 48 क्या 28 और 20 कितना होगा 48। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कोई आपको समझाता होगा। इसी के साथ अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है दोस्तों, थोड़ा सा और फोकस कीजिएगा, आइए इसको लेकर के चलते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, ये रही आप लोगों के लिए, ये रहा ये आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा ध्यान से, क्या दिया गया है 11, बाईचुंग बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर, बाईचुंग है बाईचुंग, कितना नाम भी कितना अजीब दिया गया, अपना नाम रख लेना कोई दिक्कत नहीं है, बाईचुंग बहुत ही अजीब नाम ही लग रहा है, चीनी लग रहा होगा इसलिए। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर, देन बाईचुंग ग्रैंड मदर इज 29 ईयर ओल्डर, देन बाईचुंग व्हाट इज द बाईचुंग, अपना नाम रख लो अच्छा रहेगा, माय नेम इज प्रमोद सिंह, आप लोग उसमें प्रमोद सिंह लिख लेना, अपने सर का नाम लिखना थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो आपको एक दिया गया है बाईचुंग के पिताजी उसकी दादी से 26 वर्ष छोटे हैं, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दम है और दम नहीं है अच्छी खासी दम है, आप पता देखते हैं आपको कैसे समझ में आता है, हम लेकिन पूरी कोशिश करेंगे आपको समझ में आएगा, बस अलते आप लोगों को क्वेश्चन को अपनी बुक में एक बार ध्यान से पढ़ना है, मैं आपको इंग्लिश मीडियम में पहले सुनाता हूं। बाईचुंग्स फादर मीन्स बाईचुंग के पिताजी इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर देन 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, ओके, तो जो बाईचुंग है उसके जो पिताजी है वो 26 वर्ष बड़े हैं बाईचुंग से, और यदि उनके मतलब दादा की बात करें तो 29 साल पुराने हैं, मीन 29 साल बड़े हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 35 ईयर, मीन्स बाईचुंग बाईचुंग के पापा बाईचुंग के दादा सभी की जोड़ कितना है 135 साल, तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, प्रत्येक की आपको उम्र इसमें आप लोगों को बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, इसको शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन काफी ईजी है आप लोगों को, काफी मीन्स काफी बहुत ज्यादा ईजी, इसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके, इसको शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है माना कि बाईचुंग की आयु एक्स वर्ष, हिंदी मीडियम वाले भी इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है, लेट बाईचुंग्स एज एज, माना बाईचुंग बाईचुंग बड़ा नाम हो रहा है, मैं बी वाई अकेला लिख देता हूं, माना बाईचुंग की आयु कितना है एक्स वर्ष, हमने माना है एक्स वर्ष। क्वेश्चन आप लोग कह रहा है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, सॉरी क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार और सुन लीजिए, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं,
मतलब जो बाइसन के पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, और इसी के साथ ही आप लोग बाइसन के पिताजी की आयु 29 वर्ष, मतलब बाइसन से 29 वर्ष बड़ी है, तो पहले बाइसन के पिताजी की बात करें तो होगा देन बाइसन, ऐसा लगता है ना के लिए लगता है मीन्स बाइसन के, बाइसन की, तो बाइसन के पिताजी की आयु, बाइसन फादर आयु मीन्स पिताजी की उम्र, पिता की आयु कितना होगा x प्लस 29 है, 26 दिया गया है, 29 आप लोगों का दिया गया है, 29 ईयर बाई ईयर, ओके। इसी के साथ आप लोगों का जो दिया गया है क्या दिया गया, बाइसन के दादाजी की आयु। अब बाइसन के दादाजी की बात यदि अपन करते हैं, बाइसन के दादा की आयु, बाइसन ग्रैंड फादर एज, दादा की आयु, बाइसन के यदि दादा की आयु की बात करें तो ये बात भी होने वाली है एक्स प्लस 29 वर्ष। इसके साथ ही उनसे भी वो कितने 26 साल बड़े हैं, तो 26 साल इसमें और ऐड होगा क्योंकि जो इनके दादाजी हैं वो इनके पिताजी 26 साल बड़े हैं, तो प्लस 26 ईयर। जैसे यदि इसको ऐड करते हैं तो एक्स प्लस 55 आप लोगों का ये दादा की आयु हो जाएगी, एक्स प्लस 55 ईयर, ओके। अब ये दादा की आयु हो चुकी है, अब आप लोगों को तीनों का योग दिया गया है 135 वर्ष, बस क्वेश्चन हो ही गया, बहुत ही चीज। अब क्या रहा क्या है एटीट्यू, क्वेश्चन कहा गया है कि आपको ये समझ में आना चाहिए बाइसन की आयु एक्स वर्ष माननी है, क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि बाइसन के दिया गया, बाइसन के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे, मतलब पिताजी जो है ना उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब कहने का क्या है कि दादाजी जो है ना बाइसन के दादाजी उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, बिल्कुल ऐसा ही किया आपने, पिता की आयु मानी इतनी और दादा उनसे 26 वर्ष बड़े हैं, तो 26 वर्ष ऐड करके आप लोगों का लिखा गया है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों का टोटल दिया गया तीनों की आयु ये रही, ये इनको जोड़ देते हैं 135 वर्ष, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है x प्लस 29 एंड x प्लस 55, इसमें जो आप लोगों का क्या 35 आप लोगों का दिया गया है, एक्स 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 मीन्स ये होगा आप लोगों का 3x, और टोटल इसमें आप लोग करना है तो ये होगा 84, ये होगा 135, 3x इसको जो क्या आएगा 135 माइनस का 84 आएगा, इसको यदि हम माइनस करते हैं तो आप लोग क्या होने वाला है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, 3x इसको जो आप लोग क्या आएगा, इसको यदि इसमें माइनस करेंगे तो 1 आएगा और देन आपका आएगा 50 मीन्स 5, x स्क्वायर टू आपका आने वाला है 51 अपॉन 3 आने वाला है, तो x स्क्वायर टू आपका क्या आएगा 3 × 3 मीन 17 आप लोगों का, ये 17 ईयर आपका x मान आया है, x का जो बाइसन की आयु होगी x वर्ष। अब बात करें यदि बाइसन के पिता की आयु, तो आंसर आपके क्या होंगे, पहले बाइसन की आयु आंसर आप इधर लिख दें, बाइसन की आयु 17 वर्ष, बाइसन के पिता की आयु कितना 29 साल, इसमें और जुड़ने पड़ेंगे नहीं, तो बाइसन के पिता की आयु यदि अपन बात करें तो इसमें आप इसको जोड़ के देखते हैं 29 और 17 है, ये हो जाएगा आप लोगों का 46 ईयर। बाइसन के पिता की बात करें और बाइसन की यदि दादा की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा 72 ईयर के होने वाले हैं, बाइसन के दादा 72 साल के हैं, लग ही रहे हैं कि जी पोता है जी बेटा है जी दादा है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और एक बार और कोशिश करता हूं समझाने की, बाइसन की आयु दी गई 17 वर्ष, बाइसन के पिता की आयु उसके दादा की आयु से घुमा कर दिया, उसके दादा की आयु से क्या है 26 वर्ष कम है, मीन्स उसके दादा की आयु 26 वर्ष ज्यादा होगी, पिता की आयु 26 वर्ष कम होगी, किसकी आयु से, दादा की आयु से। आपको समझ में आ गया होगा, दिया गया है तीनों का योग, तीनों का योग हमने लोगों ने कर दिया है, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ आप लोगों के कितने 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इसे नेक्स्ट वाली जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें मैं आप लोगों को सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा, साथ ही साथ आप लोगों का कोशिश करूंगा 2.3 भी उसमें कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 2.3 में भी आप लोगों के बहुत ही कम क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ऐसा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, इसको अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि हम जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के काम आ रही है, आप इसे दूसरों को बता रहे हो कि नहीं बता रहे, ये सब कुछ हमें जरूरत देखना भी तो पड़ेगा, इसीलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हम आप लोग घर बैठे यदि होम ट्यूशन दे रहे हैं तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।